सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने कुकिंग चैनल में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको गोला कबाब बनाने का तरीका बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें और मेरी वीडियोस को आपने लाइक जरूर करना है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आज चिकन कबाब बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट्स दरकार होंगे। इसके लिए मैंने 1 kg जो है वो चिकन का कीमा ले लिया है, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हमने क्या किया है, ये 3 बड़े साइज के मैंने प्याज लिए, दरमियानी साइज ये देख लें आप, ठीक है। और इसके साथ हमने हरी मिर्चें ली हैं। अब इसको क्या किया, मैंने ये चिकन का गोश्त लिया था 1 किलो, उसके साथ हमने ये प्याज हरी मिर्चों को क्या किया, चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद जो प्याज का पानी था या जो गोश्त ने पानी छोड़ा था उसको मैंने सारा ड्राई कर लिया। ये हमने बिल्कुल खुशक कीमा इस्तेमाल करना है। अब मेरे कहने का मकसद क्या है कि इसके अंदर चिकन का कीमा, प्याज और हरी मिर्चें सब चॉप हो चुकी है और इस तरह हमारे पास ड्राई फॉर्म में आ जाएगा। ये जो प्याज और हरी मिर्चें मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, ये जस्ट आपको बताने के लिए हमने रखा है। इसके साथ हमने थोड़ा सा फाइन चॉप जो है वो हरा धनिया लिया है। अच्छा, आप जिन लोगों के पास जो चिकन वो चर्बी वाला नहीं है वो क्या करेंगे, 3 चम्मच खाने वाले 3 टेबलस्पून वो मैदा इस्तेमाल करेंगे। किसके कब इस्तेमाल करना है, जब आपके पास चर्बी वाला गोश्त मौजूद नहीं होगा तब हमने 3 टेबलस्पून जो है वो मैदा इस्तेमाल करना है। 2 टेबलस्पून जो है वो हमने रेड चिली पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच के करीब सूखा धनिया पिसा हुआ पाउडर इस्तेमाल करेंगे, नमक हसबे जायका लेकिन मैं 1 चम्मच इस्तेमाल करूंगी। इसके बाद गरम मसाला मैंने 1 चम्मच लिया है, अदरक लहसुन लिया मैंने 2 खाने के चम्मच और ये मैंने तिल का इस्तेमाल करना है जो लास्ट पे लगाएंगे, लेकिन जो तिल है ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो आप इस्तेमाल करें वरना जरूरत नहीं। इसके साथ हम 3 नींबू का जो है वो रस इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपकी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा हो सकता है। चलिए अब मैं तमाम चीजों को मिक्स करते हैं। अब हम इसमें सब कुछ मिक्स करेंगे। ये वही मैंने कीमा ले लिया, इसके अंदर ये सुर्ख मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर, पीसा हुआ सूखा धनिया, अदरक लहसुन की पेस्ट, मैदा, ये नमक थोड़ा सा हमने लेना है, बाकी हम टेस्ट करके डाल लेंगे। अब मैं इन सारी चीजों को मिक्स करूंगी और इसके साथ मैंने ये धनिया ऐड कर दिया। चलिए अब इन चीजों को मिक्स करते हैं और साथ में मैं थोड़ा नींबू का रस ऐड करूंगी। अब मैं इसको मिक्स करने लगी हूं, आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये देखें व्यूअर्स, हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि गोला कबाब किस तरह बनाएंगे। ये मैंने एक सीख ले लिया, सीख के साथ मैंने एक प्याली में पानी लिया हुआ है, इससे आपने हाथ गीला करना है और इस तरह आपने थोड़ा सा कीमा लेकर ये देखें इस तरह से जो है ना वो आपने लगाते जाने हैं, साइज आपने छोटा रखना है। सेम इसी तरीके से आपने सीख कबाब बनाने हैं, बड़े वाले तो वो भी बनते जाएंगे और इस तरह आपने उतार कर रख लेने, इसके अंदर आप होल हो जाएगा। इस तरह से आपने इसको प्लेट में रखते जाने, जितने आपने गोले बनाने हो वो आप गोले बनाते जाइएगा। ये देखें इस तरह से आपने बनाते जाना है और बनाने के बाद आपने उतार कर रख लेना है। आप 10 बनाए, 8 बनाए, 12 बनाए, ये आपकी मर्जी है। अब मैं इसी तरह जो है वो सारे जो गोला कबाब है वो इसको कर लूंगी। अब इसी तरह जो है वो मैं सारे गोला कबाब तैयार कर लूंगी और इसके बाद हम इसको फ्राई करते हैं। चलिए अब मैं आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, मैंने गोला कबाब फ्राई करने के लिए ऑयल एक पैन में डाल लिया है
और ये ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। आपने इसको बहुत तेज़ गर्म ऑयल में नहीं डालना। जब ये हल्का सा गर्म हो, जैसे ये सेक सा इसमें से निकलने लगा, तो हम इसके अंदर गोले जो हैं वो अपने ऐड करेंगे। इसके अंदर आपने इस तरह से जो कबाब है अपने डालते जाने। इसका जो साइज है वो आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये देखें, आपने इसको साथ साथ फैलाते जाना ताकि ये हर तरफ से इक्वली पके, और जो कच्चे है उसको आपने नहीं छेड़ना ताकि ये खुले ना। ये देखिए व्यूअर्स, ये आप काफी हद तक पक चुके हैं। जैसे हम मजीद ये थोड़े से सुरख होंगे, हम इसको डिश आउट कर लेंगे। अब हम इनको डिश आउट कर रहे हैं। ये देखें, इसको रेड कलर आ चुका है। अब मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। ये देखें, आप इसके सुराख भी देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे, जो हमारे गोला कबाब के सुराख है। ये देखें व्यूअर्स, मैंने अपने जो गोला सीख कबाब हैं वो मैंने डिश आउट कर ली है। आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कितना खूबसूरत रेड सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही यम्मी लग रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इसको घर पे ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज की आपको ये डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह एक बार नई रेसिपीज के साथ आप भी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।